नमस्कार दोस्तों, मैं पुन्नु एक बार फिर से हाजिर हूँ एक आसान सा DIY लेकर के। इतना आसान कि मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए, आप भी बना लेंगे एकदम चुटकी में। तो ये जो बॉक्स है, आपके पास बॉक्स नहीं है तो जो कार्ड का ट्यूब आता है आप उसको भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास तो ये बॉक्स पड़ा हुआ था तो इनका मैं रीयूज करने वाली हूँ, और वो मैं कैसे करने वाली हूँ वो आप देखिएगा। तो इसके लिए मैंने इसका जो कवर था वो मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि अगर कवर जो रहता तो वो हल्का सा छोटा छोटा सा था, वो हिल रहा था और ये बाहर निकल सकता था, तो इसलिए मैंने उसको रिमूव करा। और उसके बाद इसके पूरे बॉडी पे मैंने फेविकोल अच्छे से लगा दिया, एक ही बार में मैंने लगा दिया, और जूट को मैंने टाइटली पकड़ के और उसको चिपकाते जाना है और चिपकाते जाना है, ऐसे ही पूरा ऊपर से लेके नीचे तक फिल कर लेना है। और अच्छे से आप जब तक फेविकॉल अच्छे से नहीं लगेगा तो ये खिसकता रहता है ऊपर नीचे, तो आप चाहें तो ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें फेविकॉल ज़्यादा इजी लगता है तो मैंने फेविकॉल का यूज किया है। आप चाहें तो आप ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके ढक्कन पे मैं जूट ऐसे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, मैं ऐसे इसको पूरा गोल 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 करके और मैं बंद करने वाली हूँ। और इसका जो किनारा है, जो एज है, उसको मैं कैसे कवर करने वाली हूँ ये आप देखिएगा। पहले तो जूट की जो जैसे हम चोटी बनाते हैं तो तीन रस्सी बराबर टुकड़े में लेके और टाइट बना लेनी है। देखिए ये जो मैंने बनाई है, और इनको फेविकोल से हमें चिपका देना है। देखिए ये जो किनारा था ये फिल भी हो गया है और अच्छे से चिपक भी गया है। सेम थिंग इसके ऊपर और नीचे हम यही चोटी लगाने वाले हैं अच्छे से। ये देखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, नहीं तो वो सिंपल ही लगता है। और इसके जो उसका जो ढक्कन है इसको खोलने के लिए, क्योंकि ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम खींच के निकाल पाए, तो ये मैंने रस्सी को टाइट मैंने गांठे डाल डाल के जैसे फंदे डाले जाते हैं मैंने बना के उस पर चिपका दिया है, और देखिए आसानी से खुल जा रहा है। इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं करने वाली हूँ इस पर मिरर वर्क। तो मीडियम साइज़ का मैंने मिरर लिया और मैंने इस पैटर्न में मैंने लगाया है। मैं ऊपर भी राउंड शेप में लगाने वाली हूँ। तो देखिए एक खूबसूरत सा ये ज्वेलरी बॉक्स आप जब कह लीजिए। कैसा लगा आपको ये आसान सा DIY? अगर अच्छा लगा या बुरा लगा जो भी प्लीज़ बताइए।